अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बना रहे हैं कॉफ़ी, और मामा ने मोल्ड्स के अंदर वाटर डाल के रख दिया था फ्रीज करने के लिए, और अब इतने प्यारी ये शेप्स आ गई हैं, और क्योंकि ये अब आइस बन चुकी है और अब हम इसको डीमोल्ड कर रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी शेप्स, और ये हैप्पी बर्थडे वाली, दिल वाली और स्टार्स वाली, ये इतनी मज़े की मोल्ड्स के अंदर मामा ने डाले हुए थे और ये बहुत प्यारी लग रहे थे। तो मामा इसको डीमोल्ड कर रही हैं और इसको अंदर डाल रही हैं। आज हम बना रहे हैं यमी यमी कॉफ़ी। ये सारी आइस वगैरह डाल के हम लोग इसके अंदर डाल देंगे मिल्क। मिल्क हमें जितनी कॉफ़ी बनानी है उतने हिसाब से हमें मिल्क डालना है। आइस हमने इसलिए डाली तक क्योंकि हम बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी यमी लग रही थी शुरू में ही। तो एंड अब हमने बीच में डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया ताकि दूध ठंडा हो जाए। दूध तो वैसे ठंडा था, बट इसको और ठंडा इसलिए किया क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं, मज़ेदार। अब हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर डाल लेनी है कॉफ़ी, और जितनी कॉफ़ी चाहिए और जितनी शुगर चाहिए उतने हमने डाल ली है। उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालेंगे एंड देन उसको बीट करेंगे बीटर के साथ। अब इसको बीट किए जाएंगे जब तक ये ज़्यादा नहीं हो जाती और ब्राउन नहीं हो जाती। तो तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यम्मीएस्ट कॉफ़ी लगती है, हम तो हमेशा यही बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यम्मी भी होती है। अब हमने इसको उस हमारे आइस वाले मिल्क के अंदर डाल देना है उसके ऊपर। एंड अब ये चेक कीजिएगा, उफ यम्मी यम्मी यम्मी, और ये इतनी मज़ेदार लग रही थी। बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा फारिग कराएं क्योंकि इतना तो चलता है, और जब ये नीचे गिरी थी इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी और फुल, बस क्या बताऊँ, बहुत यम्मी थी। एंड ये है फाइनल लुक।